इंदौर के बाणगंगा थाने पहुंचे शिकायतकर्ता ने थाना परिसर में आत्महत्या करने का प्रयास किया। मौके पर मौजूद जवानों ने युवक को आत्महत्या से रोका। पीड़ित की शिकायत के बाद ठेकेदार सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। बाणगंगा थाना परिसर में उस समय अफरा तफरी का माहौल मच गया था जब बबलू नामक व्यक्ति ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। समय रहते जवानों ने युवक को आत्महत्या करने से रोका। वहीं पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने ठेकेदार इदरीस और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपी ने पीड़ित व्यक्ति को अश्लील गालियां देकर मजाक बनाया था। बस इस बात से अपमानित होकर बबलू ने थाने पहुंचकर आत्मदाह करने का प्रयास किया था। आत्मदाह वाले मामले में उसने इदरीस के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई है। कोई इनको किसी आपस में अश्लील गालियों का आदान प्रदान दोनों पक्षों से हुआ था, उस बात को लेकर विवाद हुआ, तो इसको कुछ इदरीस ने एक दो चांटे मार दी तो इसको अपमानित महसूस हुआ। अपमानित महसूस और ज़्यादा इसलिए हुआ कि ये शराब के नशे में था, थोड़ा इमोशनल हो गया तो यहाँ थाने आया तो पहले से पेट्रोल वेट्रोल कुछ भी जो डाल के आया होगा थोड़ा बहुत, और यहाँ पे उसने अपने को जलाने का प्रयास किया, लेकिन हमारा आरक्षक दीपेश रावत था, उसने जैसे ही देखा तुरंत उसके ऊपर कंबल डाल के उसको बुझा दिया। तो जला तो नहीं है, थोड़ा सा झुलस गया कंधा अंधा उसका, बाकी ये उसका इलाज चल रहा है, ठीक है। कितने लोग खिलाफ कार्रवाई हुई? अब इदरीस और उसके साथी लिखा, संख्यात्मक रूप से साथी दो थे या तीन थे, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है।